हम लोग तिलावत करें, प्रेयर कराएं, उसमें सब लोगों की दुआ से ये प्रोग्राम चलना। और सब लोगों से मैं गुजारिश फिर से एक बार करता हूँ कि ये दुआ कीजिए कि एम्बुलेंस इस्तेमाल में नहीं आए, कोई बीमार ना पड़े हमारे बस्ती में, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को खुदा ना करता इतनी बड़ी बस्ती में प्रॉब्लम होगा तो वो है। तो अभी मैं एक्सेस फाउंडेशन से हुसैन साहब को मैं स्टेज पे आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये एक्सेस फाउंडेशन है भाई, अपने बस्ती के रिक्वेस्ट करते कि अपने कोई एम्बुलेंस डोनेशन करे, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्सेस फाउंडेशन के। और सज्जाद साहब से स्टेज पे आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सज्जाद साहब को भी एक्सेस फाउंडेशन से। दोनों ढारो, इधर 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 उधर भाई, और यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए यहाँ के जो चीफ गेस्ट है, मुझे तो नाम पता नहीं, आप सबका एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे यहाँ के सरगर्म कारकुन एक्टिव मेंबर जो यहाँ बस्ती में काम करते हैं, जनाब नईम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सेस फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है, ये हमारा एनजीओ काफ़ी बहुत पुराना है। हम इसमें वुमेन एम्पावरमेंट और जो ऐसे स्लम एरियाज रहते हैं वहाँ पे बहुत हम काम करते हैं, काम कर चुके भी हैं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी यहाँ पे रसूलपुरा की पब्लिक के लिए ये जो एम्बुलेंस की हमारी तरफ से आपको दी जा रही है, हम होप यही करते हैं कि यहाँ पे खुशहाली हमारी भाईचारे हमेशा रहे, कोई इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा ना पड़े। और यहाँ पे एम्पावरमेंट के लिए भी हम नईम भाई से गुजारिश करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी आप थोड़ा वर्क करिए, क्योंकि स्लम एरियाज में क्या है, बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिलो पॉवर्टी लेवल की वजह से पढ़ाई को छोड़ देते हैं, उनके लिए भी आप काम करिए। एक्सेस फाउंडेशन आपकी हमेशा साथ रहेगा इंशाल्लाह। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप काम करिए, जैसा कि स्किल ट्रेनिंग है, टेलरिंग है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, बहुत सारे स्किल्स है, तो उसके लिए भी आप हम बराबर आपको जो भी हेल्प चाहिए हमारी फाउंडेशन की तरफ से हम करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो है